यूपी में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहंदीपुर गांव का है, जहां शादी समारोह में आई 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। बच्चे की खोजबीन करने के बाद जब परिजनों ने बच्चे को खून से लथपथ देखा तो परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजनों ने बच्ची को महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। जी, गुम थे तो उसको हम लोग गांव में ढूंढ रहे थे, तो हमारे एक छोटे पिताजी थे तो वो उधर से गुजर रहे थे, तो इसने देखे सरसों के खेत में किनारे में पड़ी मिली, तो उठा के लाए तो हमसे बोले लड़की यहाँ पड़ी थी, तो हमने उठाए गोदी ले गए और उसकी माँ को दिए। जब अंदर ले गए देखे तो पूरा खून से उसके कपड़े भीगे हुए थे। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। थाना हुसैनगंज के मोहम्मदीपुर ग्राम में अपनी रिश्तेदारी की शादी में आई हुई एक 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। घटना संज्ञान में आते ही तत्परता पूर्वक पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए पीड़िता को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और पीड़िता के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर और उसके परिजनों के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सोनू रैदास, जो कि उसी शादी में टेंट में लेबर का काम कर रहा था और काफी शराब के नशे में था, उसको गिरफ्तार किया गया। दोनों का परीक्षण कराया जा रहा है, मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अभियुक्त के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और घटना में पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। पीड़िता की स्थिति सामान्य है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।